ये पिछली बार ज्वाइन की थी जनाब और आपके आशीर्वाद से इन्होंने अनिल वीर साहब जिंदाबाद, अनिल वीर साहब जिंदाबाद, बब्बर शेर जिंदाबाद, बब्बर शेर जिंदाबाद, अनिल वीर साहब जिंदाबाद, अनिल वीर साहब जिंदाबाद, अनिल वीर साहब जिंदाबाद, भाई चाय पिलाओ सारों को। अरे आवाज कैसे नहीं आ रही है? अनिल वीर साहब जिंदाबाद, बब्बर शेर जिंदाबाद। ये नूना रसेल नंबरदार फादर। मेवात इलाके में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी वजह से बीजेपी का जनाधार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल आज मेवात इलाके के एक्स एमएलए चौधरी कबीर और साथ ही एमपी रहे चौधरी खुर्शीद के भाई कहीं ना कहीं चौधरी फारूक अहमद आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए उनके जनता दरबार में पहुंचे। उनके साथ में मेवात इलाके के दर्जन भर पंच और सरपंच मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जो मेवात इलाके के पंच और सरपंच चौधरी फारूक के साथ पहुंचे, उन्होंने आज भाजपा का दामन थामा और साथ ही यह आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में मेवात इलाके की बंजर जमी पर बीजेपी का जो कमल का फूल है उसे खिलाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से लगातार मेवात इलाके के लोग प्रभावित होते जा रहे हैं उनकी कार्यशैली से, उनकी कार्यप्रणाली से, क्योंकि मेवात इलाके के लोगों के बीच में सिर्फ एक ही ये विचार है कि अगर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के दरबार में कोई भी अपनी अर्जी लेकर जाता है तो वो खाली हाथ उनके दरबार से कभी नहीं लौटता। तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाता है और उसका समाधान करवाया जाता है। खैर, आज जिस तरीके से चौधरी फारूक अहमद हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मिलने पहुंचे, उसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार। आज हम सारे मेवात से जितने भी लोग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियों को और यहाँ जो विकास हो रहा है और हमारे मेवात की तरफ ध्यान दिया जा रहा है और विज साहब बब्बर शेर की जो न्यायिक प्रक्रिया है और मेहनत और न्याय और विकास को देखते हुए सभी लोगों ने विश्वास के साथ यहाँ मंत्री जी का धन्यवाद करने आए हैं और ये चाहते हैं कि इसी तरह बीजेपी पार्टी का विकास हो और हम बीजेपी पार्टी को सब मजबूत करेंगे। मैं मेवात से बिलोंग करता हूँ, चौधरी फारूक अहमद, सनोफ चौधरी कबीर अहमद एक्स एमएलए। मेरे फादर दो बार एमएलए रह चुके हैं। बाकी हम अनिल विज और बीजेपी पार्टी की गतिविधियों को देखते हुए ये पार्टी के संगठन में सारा विश्वास और तन मन के साथ जुड़ा हुआ है और ऊपर वाले ने चाहा तो बीजेपी पार्टी के साथ बहुत अच्छा साथ देंगे और इसमें विकास होगा, बीजेपी पार्टी के साथ साथ अपनी भी मजबूती होगी और पार्टी की भी मजबूती होगी।